हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का धमाका, द मोस्ट वांटेड मोस्ट अवेटेड चैप्टर की 100 स्क्वायर फीट वॉल में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगी का पहला वीडियो। तो आज यह वन शॉट वीडियो में 4 स्टेप में डालने वाली हूँ और यह वीडियो देखकर आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। और इसकी गारंटी देती हूँ मैं, यानी कि रजनी मैम। तो मैं हूँ इंजीनियर रजनी भुसारे फ्रॉम फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप सब कुछ सीख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 वर्ग फीट 9 इंच मोटाई की दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, इट मीन्स कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दीवार का जो मेजरमेंट है कुछ इस प्रकार से है कि दीवार की लंबाई इट मीन्स लेंथ ऑफ वॉल है 10 फीट और दीवार की ऊंचाई इट मीन्स हाइट ऑफ वॉल है 10 फीट और दीवार की मोटाई इट मीन्स थिकनेस ऑफ वॉल है 9 इंच। तो इस प्रकार से दीवार का मेजरमेंट हमारे पास है। अब हम 4 स्टेप में यह कैलकुलेशन फिनिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्कीप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, इट मीन्स दीवार का आयतन। तो हम अब निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दीवार की लंबाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 चीज की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है 10 फीट इंटू ऊंचाई कितनी है 10 फीट इंटू दीवार की मोटाई कितनी है 9 इंच बाय 12। बाय 12 मैंने यहाँ इसलिए किया है क्योंकि जो वैल्यू है ये इंचेस में है, तो इसे हमें फिट में चेंज करने के लिए बाय 12 करना पड़ेगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं 10 × 10 × 9/12 75 75 घन फीट या क्यूबिक फीट। तो सेकेंड स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार। तो आपके पास जो ब्रिक्स होगी उसका मेजरमेंट आप ले सकते हो और इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो। हमारे पास जो ब्रिक्स अवेलेबल है हमने उसका मेजरमेंट लिया है, तो इसमें हमें मोर्टार को आधा इंच ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम फिर से लिखेंगे तो 0.5 इंच इंटू चौड़ाई है 4 इंच, तो इसमें 4.5 हो जाएगा 4.5 इंच और इसकी जो ऊंचाई है वो है 0.3 इंच, तो इसमें हम 0.5 मोर्टार को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3.25 इंचेस। यहां पर हमें जो वैल्यू है इंचेस में इसे हमें फिट में चेंज करना है तो बाय 12 करना पड़ेगा सभी में बाय 12। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 9.5 बाय 12 इंटू 4.5 बाय 12 इंटू 3.25 बाय 12 तो वैल्यू आई है 0.0804 घन फीट या क्यूबिक फीट। तो ये वैल्यू आ गई है। अब थर्ड स्टेप में हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टार। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर आ जाएंगे। तो थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल की क्या वैल्यू है 75 घन फीट
अपॉन 0.0804 घन फीट। तो 75 घन फीट अपॉन 0.0804 घन फीट। इसे हम कैलकुलेट करेंगे 75 अपॉन 0.0804 932 नंबर। तो इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने निकाल ली है, अब हमें फोर्थ स्टेप में निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 75 क्यूबिक फीट। इट मींस कि कुल ईटों की संख्या 75 घन फीट के लिए। तो इसमें हमें 5% वेस्टेज को एड ऑन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि साइड पर जो ब्रिक्स होती है कुछ टूट जाती है, इसलिए हमें 5% इसमें एड ऑन करना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप है हमारी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 75 घन फीट। तो इसमें हमें 5% वेस्टेज को एड ऑन करना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स तो कितना है 932 इंटू 5% हमने लिया है, तो इसमें हम लेंगे 1.05। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 1.978। आई होप फ्रेंड्स ये चार स्टेप का कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 100 स्क्वायर फीट 9 इंच की दीवार बनाने में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर एंड क्लियर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।